बहुत लेंदी सिलेबस है मम्मी। वो कच्चा बादाम वाली रील लगाइए जरा। कौन सा कच्चा बादाम? वो जो तेरी किताब के अंदर है। आपको कैसे पता चला? तेरे एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा मेरे पास है। गई अनंत्या, अब मम्मी दाएं हाथ से मारेंगी या बाएं पैर की चप्पल? बाया दाया चप्पल थप्पड़ दाया हाथ, क्या खुदा, मम्मी तो डायरेक्ट हमला करेंगी। अनंत्या देख, अबे देख मेरी तरफ देख। एग्जाम को 2 हफ्ते भी नहीं बचे और यहाँ रील देखी जा रही है। एक दिन घर से बाहर जाएगी ना, फिर पता चलेगा। तूने हेल्प की ना, तू भी घर से बाहर निकलेगी। क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत दिन से देख रही हूँ मैं, कॉलेज चल रहा है मेरे दिमाग में। वो बोरिंग स्कूल में रत्ती भर भी मन नहीं लगता। एक बार जो फर्जी पंती की थी वो काफी नहीं है, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। ठीक है फिर, जिस कुत्ते ने काटा है मैं दिखा देती हूँ मम्मी को, दिखा देती हूँ आपकी सारी चैट, बढ़ा देती हूँ आपके सारे फोन कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। ब्लैकमेल कर रही है? और वो जो आपका हॉस्टल पॉस्टल है ना, वो भी सब कैंसिल करा दूंगी अगर आप नहीं लेके गई। इतनी मुश्किल से आपने पापा को मनाया है। ओके, पर करेंगे कैसे? जैसे शायद कपूर ने मूवी फर्जी में नकली नोट छापे थे, आपको वैसे मेरे लिए कुछ नकली छापना पड़ेगा। क्या? तो आप लोगों को जानने के लिए वीडियो आगे तक देखना पड़ेगा। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये पूरी सीरीज बनने वाली है कॉलेज वाली, और आई नो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो काम पे लगते हैं। एक तो जब से स्कूल वालों ने साइन करवाना स्टार्ट किया है, फर्जी साइन करना इतना मुश्किल हो रहा है। ला मैं ट्राई करती हूँ। मैं अभी बोल रही हूँ अनंत्या, कॉलेज का आइडिया ड्रॉप कर दे। करन कर रही हूँ। हो गया हो गया हो गया। बस इस पे ऊपर लिख दे कि मैं 1 हफ्ते की मेडिकल लीव पे हूँ, तो मैं छुट्टी ले रही हूँ, ठीक है? और स्कूल की एप्लीकेशन भी तुम ही दोगी। मैं स्कूल ड्रेस में कल सुबह जाऊँगी और बाहर जाते ही अपने बैग से कपड़े निकाल के चेंज कर लूँगी, और कह देना कि मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मेरी टीचर मान जाएगी। हे भगवान, इस फर्जी बाड़े से मेरी रक्षा करना। बाय द वे, आपका हॉस्टल है कैसा? सही है यार आपका, ये रहा कॉलेज, वो रहा हॉस्टल आपका, अंदर अंदर ही है तो आपका टाइम बच जाएगा। चलते हैं। ए लड़कियों, नहीं नहीं नहीं, ये हरकत नहीं चलेगी हॉस्टल में। ए कहाँ जा रहे हो आप लोग? हॉस्टल में रहने आए हैं, रूम बुक है हमारा। अच्छा, सामान यहीं रख दीजिए, इधर रख दीजिए। अच्छा वैसे आप कौन हो? चेडूमल वार्डन। बबली आन कौन है तुम में से? मैं नहीं, हॉस्टल में मैं ही रहूंगी, मैं तो आउटसाइडर हूँ। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी इस हॉस्टल में, हॉस्टल की लड़कियों से ज्यादा तो आउटसाइडर आते हैं। चलो आओ। कमरे में कोई तोड़फोड़ हुई तो कॉफी मनी से कटेंगे। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं है। 100 की पत्ती मिलेगी तो कुछ हो सकता है। आ जाओ, यहाँ के हर कमरे में बहुत सफाई है। कुछ नहीं कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे बाजू में जो कमरा है उसमें टॉपर रहती है, बहुत सब लड़की है, डिस्टर्ब नहीं करना। ए दीदी, तुमने वही देखा जो मैंने देखा? वही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या देखा। हाँ, क्या वो आपको कोई धोखा था या सच था? ओ जूनियर, चल निकल यहाँ से। हम से लगाना। मुझे ढंग से बना दियो, पिछली बार भी 2 बाल रह गए थे। यार पूरे हॉस्टल की मुझे थ्रेडिंग मैं करती हूँ, विश्वास है सुपर डार्लिंग पे? वो कम चला। हाँ जा जा चला।
ये सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल है या सरोजनी ब्यूटी पार्लर? आधा तो ब्यूटी पार्लर ने यहाँ पे खोल रखा है, वैक्सिंग, मसाजिंग, थ्रेडिंग सब चल रही है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं भैया, यहाँ पे क्या है? वो बाथरूम है और एक ही वॉशरूम है, जल्दी नहाना पड़ेगा और पॉटी धोने के लिए साबुन भी खुद का लाना पड़ेगा। हॉस्टल तो बढ़िया है दीदी। हाँ समानता है, बॉर्डर ने बोला था नीचे छोड़ दो तो मैंने तो नीचे छोड़ दिया आपके साथ। अभी अगर आप इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? अगर हॉस्टल में सरवाइव करना है तो डर को भूल जाओ। आ जाओ मारिए। तुम लोग यहाँ खड़े हो और क्या कह रहे थे? हम लोग नीचे आए। थ्रेडिंग करवानी है? थ्रेडिंग कराना है? 50-50 रुपए लूंगी दोनों से। हमने तुझे कभी पैसे दिए? हमने कभी आपसे मांगे? 50-50 में दोनों के मुँह छोड़ा दूंगी। ठीक है आप नंबर दे दीजिए, हम बुला लेंगे जरूरत होगी। ठीक है। क्या कह के जाती है समझ भी नहीं आता। इस हॉस्टल में रहना है ना तो एल्विश यादव नहीं पूजा भट्ट बन के रहना पड़ेगा। और हाँ ये हॉस्टल है हॉस्टल, अपनी औकात और अकड़ अपने जेब में लेकर घूमना। सही कह रही है। अब ये कौन है? यही तो है कॉलेज की असली डायन। सीधा खड़ी हो। तुझे इंट्रो करा देती हूँ अपनी गैंग से। वो लड़की देख रही है वो एनेस्थीसिया है। उसका असली नाम एनेस्थीसिया है। नहीं नहीं, मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है ऐसा लगता है अपने मुंह में प्याज लेकर घूमती है। किसी को सुन करना होता है ना तो उसे ही लाके खड़ा कर देते हैं। सही कह रही है। ट्राई कराऊं? नहीं नहीं नहीं। और वो है पूरे हॉस्टल की प्रेसिडेंट, बिल्लू बिलोटी। अच्छा, इनकी शक्ल मरी बिल्ली जैसे है इसलिए बिल्ली बुलाटी। सही नहीं कह रही है। इस हॉस्टल की सारी लौंडियां ना उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती हैं, इसलिए। ए, तो वही है ना जिसकी हमने पिछली बार रैगिंग ली थी। पिछली बार जब मैं फर्जी तरीके से आई थी ना तो बहुत रैगिंग ली थी इनने मेरी। जैसे अभी तो बड़ी ऑफिशियल तरीके से आई है ना। अच्छा बड़ा गंजो, नाम क्या है तुम दोनों का? दोनों बबली दोनों आनंद, मजा नहीं आया। आज से तू बबली और तू बुलबुल। इस हॉस्टल में ना शॉर्ट फॉर्म चलती है। क्या? तुम लोगों को सरोजनी हॉस्टल का पूरा टूर कराती हूँ। अच्छा यहाँ का बॉर्डर कैसा है? बॉर्डर एक नंबर का ठरकी है। अच्छा, और सेकंड ईयर चल रहा है आपका? तो ये हमारी विंग और वो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है वो MS और वो है प्रेस। अच्छा सपोज करो कि लड़ाई वड़ाई हो जाए तो बंदी आए पेलने के लिए? अरे तुझे लड़ना क्यों है? लड़ने नहीं पढ़ने आए हम लोग यहाँ पे। ऐसा तो हम भी बोलते थे। तू चिंता मत कर, हमारी बैग की भी बैग है। ये हॉस्टल टेलीपैथी जैसा है, सिस्टम हैंग करते थे लोगों का। एक आवाज और सब तक बात पहुँच जाएगी। मैं नहीं मानती। चल कुछ भी बोल। अच्छा ठीक है। कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है, बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? सही टेलीपैथी है यार। और क्या बोल? ए, मेरी दो रोटी एक्स्ट्रा बनवा देना। ये भाग क्यों रही है? अरे वो मैथ्स का टाइम हो गया ना। ऑल द बेस्ट फॉर द मैथ्स। ऑल द बेस्ट फॉर द मैथ्स। मैथ्स में ऐसा क्या है? हाय शाहरुख, तुम मेरे ख्वाबों में आते हो, मुझे सताते हो, तुम्हें देख के कुछ कुछ होता है। क्या हो गया इतना गुस्सा? यार मेरे भी कपड़े चोरी हो गए। अगर हम हॉस्टल के गुंडियों के भी कपड़े चोरी होने लग गए तो इस कॉलेज के हॉस्टल में कौन सुरक्षित है तू बता। आराम से, ऐसे तो मेरा भी ब्लू एंड व्हाइट वाला टॉवल चोरी हो गया है। ब्लू व्हाइट? ब्लू व्हाइट? मिल गया चोर, पक्का हुई है।
कौन? अरे वो नई लड़के आई है ना हॉस्टल में, बबली वन बबली टू। मैंने बबली वन को देखा था तेरा टॉवल लेके नहाने जाते हुए। ऐसा तो धर लेते हैं दोनों को। शाहरुख मैं भी आई। पानी नहीं है इसमें। सारे इस वाटर कूलर को लेके चलते हैं अपने रूम में, जब पानी आएगा तो सबसे पहले हमें मिलेगा। तो दिन पर दिन गुंडी नहीं होती जा रही है इस हॉस्टल में रह के? हाँ तो वहाँ स्कूल की गुंडी, यहाँ कॉलेज की गुंडी। भागो भागो भागो, वो लोग आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग को। तुम पे शक हो गया यार? शक क्यों होगा, हमने कोई चोरी वोरी थोड़ी ना की है। हाँ उन लोग को यही लगता है कि तुम दोनों चोर हो। तो क्या सच में भागे? हाँ भागो। ए रुक रुक रुक, हॉस्टल की चोर, अभी रुक हमारे। यार माँ कसम हमने कुछ नहीं किया। अभी वो मेरा टॉवल है, मेरी मम्मी ने उसमें निशान भी लगा रखा है। हाँ माँ कसम मैं क्यों करूँगी तुम सीनियर से चोरी, और चोरियाँ तो हमसे पहले हो रही होंगी ना, हम तो दो दिन पहले आ रहे हैं। फिर चोरी कौन कर रहा होगा, मेरी भूत भूतनी के? 24 घंटे के अंदर तू चोर ढूंढ के लाएगी, नहीं तो तेरी शिकायत कर देंगे। कैसे ढूंढेंगे? देखते हैं। लड़कियों आ जाओ रे, चोर पकड़ा गया है हॉस्टल का। कौन है चोर? तो चोर मिल गया है, और वो हमारे हॉस्टल के अंदर का ही है, और वो है मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं, तेरे पीछे वाला यही है असली चोर। चोर ये सारा वार्डन ही ना हमारा सामान चुराता था। पर मैं चोर? फालतू बकवास नहीं कीजिएगा। कोई सबूत है आपके पास? इतने साल की नौकरी हमने की है वार्डन की, हमने आज तक एक सबूत तक नहीं चुराया। पूछो इन लड़कियों से। क्या सोच रही है? सामने तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, बट हमें फुटेज मिल नहीं रही है। लड़कियां कपड़े यही सुखाती है और व्यू भी यही का ही है। तो अब क्या? तो चोर कुछ तो झोल कर रहे हैं सीसीटीवी में। सीसीटीवी में तो ये छेड़ूमल छेड़खानी कर देता था, तो मैंने अपना फोन बैटरी बैकअप के साथ लगा दिया। फिर क्या, बस चूहे को फंसाने के लिए हमने थोड़े नए कपड़े फंसा दिए और ये फंस गया। अब सवाल ये उठता है तूने किया क्यों ये? हमको हमारी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था, आप लोग नए नए कपड़े पहन के आते थे तो इसलिए। अबे चिंदी, टॉवल और साबुन कौन चुरा के गिफ्ट करता है? वो भी तो इसी हॉस्टल की है। अरे हॉस्टल में कोई लड़का घुसाया? लौंडे घुसाए? घुसाएगा। तो ये था हमारी फर्जी कॉलेज सीरीज का एपिसोड 1। अब हम ऐसे ही और एपिसोड्स लाते रहेंगे, तो शायद अगले हफ्ते आए या जब भी आए तो नोटिफिकेशंस ऑन रखना, और फर्जी का एपिसोड 2 जरूर देखना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ऐसे और एपिसोड्स चाहिए। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अरे लौंडे पकड़े गए।